मैं अभी आ गया हूँ सांची में और मुझे नहीं लगता है कि सांची को किसी भी प्रकार की परिचय की आवश्यकता है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यह जगह बौद्ध धर्म के बारे में बताती है और यह जगह भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर विदिशा जिले में स्थित है। हेलो, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा सांची के कुछ प्राचीन स्तूपा। यहां पर आपको असंख्य बौद्ध संरचनाएं, स्तंभ और मठ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ के स्तूपा भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह बौद्ध स्थल काफी पुराना है और ये काफी समय तक इन्हीं पहाड़ों के बीच में खोया हुआ था। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर की ओर, आपको दिखाऊंगा सांची के ऊपर का कुछ व्यू। सांची स्तूपा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। यहाँ पर काफी गर्मी है दोपहर के समय। यह यहाँ का सबसे मेन स्तूपा जो कि बाकी स्तूपा से काफी ज्यादा बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी खूबसूरत व्यू आ रहा है। पहाड़ के ऊपर होने के कारण से यहाँ से नीचे का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। आप इस गेट पे भी देख सकते हैं प्राचीन काल के समय की कुछ कलाकृतियाँ, कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं गेट के ऊपर। माना जाता है कि ये स्तूपा सम्राट अशोक ने बनाया था जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहाँ पर जो आकृति आपने देखी ये गौतम बुद्ध की है। यहाँ पर जो आप स्तूप देख रहे हैं वो काफी समय तक विलुप्त थे, जिन्हें एक ब्रिटिशर ने खोजा था। यहाँ पर लगभग आपको बहुत सारी मूर्तियों की गर्दन टूटी हुई ही मिलेगी। यहाँ की जब कार्बन डेटिंग की गई तो नतीजा ये आया कि ये 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच बना हुआ है। अभी मैं आ गया हूँ इस मंदिर के नीचे जो कि 4 स्तंभों पे टिका हुआ है और इसका रूफ एरिया फ्लैट है और आप इसके अंदर से भी देख सकते हैं। इसके अंदर का एरिया काफी ज्यादा ठंडा है। यहाँ पर आप इस प्रकार के छोटे छोटे काफी ज्यादा स्तंभ देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर आने के बाद काफी प्राचीन दृश्य देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर दोपहर के समय काफी गर्मी लग रही है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कुछ और छोटे छोटे घर बने हुए हैं यहाँ पर। ये प्राचीन समय में बने हुए घर आज के समय पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इनके रूफ एरिया का मलबा पूरी तरह से नीचे बिखरा हुआ है। Thank you.
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन घरों के पिलर और इन घरों की पूरी ईंटें नीचे बिखरी हुई हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसके अंदर भगवान गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है। यहाँ के पत्थरों पे आपको काफी ज्यादा मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। और अभी मैं जा रहा हूँ इस गेट के पीछे वाले एरिया में। ये जो कोठरी आप देख रहे हैं, इसमें उस समय के मॉन्क्स रहा करते थे। नीचे आने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर एक और मूर्ति जो कि भगवान विष्णु की प्रतिमा की तरह दिख रही है। यहाँ पर ज़्यादातर मूर्तियाँ मैंने टूटी हुई ही देखी हैं। यहाँ पर बहुत कम ही मूर्तियाँ हैं जो कि टूटी ना हो, और ये उनमें से एक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी एक मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। मैं जल्दी मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।